सीसीटीवी के मदद से अब आरोपी की तलाश जो है वो की जा रही है। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेंगलुरु ब्लास्ट के आरोपी की फोटो सामने आई है, सीसीटीवी फुटेज निकाला गया तो उसमें जो संदिग्ध आरोपी है वो नजर आया है। ये बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज, बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे के ब्लास्ट से जुड़ी हुई। आरोपी ने अपनी पहचान छुपाने के लिए टोपी पहनी हुई थी, ये जानकारी मिली है। जारी तस्वीर देखिए, आरोपी की फोटो सामने आ गई है, सीसीटीवी में ये संदिग्ध आरोपी नजर आ रहा है। मास्क पहनकर चेहरा छिपाने की कोशिश भी की। मौके पर जांच के लिए एनएसजी की टीम पहुंच चुकी है, मौजूद है, लगातार जांच की जा रही है इस लो इंटेंसिटी ब्लास्ट की। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध आरोपी की जो तस्वीर है वो सामने आ गई है। और देखिए कैसे आरोपी ने पहचान छिपाने के लिए टोपी पहन रखी थी और साथ ही मास्क भी लगा रखा था ताकि उसे पहचाना नहीं जा सके। वो वहां पर गया, उसने दवाई की ऑर्डर की और उसके बाद वो वहां से निकल गया। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेंगलुरु ब्लास्ट के आरोपी की जो फोटो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। और पिंकी राजपुरोहित हमारे साथ सीधे